subscribe to my channel and press the bell icon for the latest video updates. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंगो के चैप्टर इंडिगो के बारे में। तो दोस्तों आप देखते रहिए ये वीडियो और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। इंडिगो, ये कहानी लिखी है लुइस फिशर ने। इस कहानी में लुइस गांधी जी के बारे में बताते हैं। लुइस बताते हैं कि गांधी जी ने कैसे एक स्ट्रगल के जरिए चंपारण जिले के कुछ गरीब किसानों की मदद करी। तो इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि गांधी जी ने चंपारण में जाके क्या किया और कैसे उन्होंने गरीब किसानों की मदद करी और कैसे ये गांधी जी के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हुआ। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता देता हूँ जिसको आप अपनी एग्जाम में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने आंसर्स में इन वर्ड्स को यूज़ करेंगे तो इससे आपका आंसर और भी ग्लिटर हो जाएगा और आपको अपनी एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो पहला वर्ड है अर्ज। अर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आग्रह करना। सेकेंड वर्ड है डेलीगेट्स। डेलीगेट्स का मतलब होता है कुछ रिप्रेजेंटेटिव जिनको किसी कॉन्फ्रेंस में भेजा जाता है। थर्ड वर्ड है पेजेंट। ये वर्ड इस पूरे चैप्टर में बहुत ही बार यूज़ होता है और इसका मतलब होता है फार्मर या फिर किसान। फोर्थ है शेयर क्रॉपर। शेयर क्रॉपर का मतलब होता है वर्कर जो कि किसी क्रॉप के लिए शेयर में काम करते हैं, मतलब इसको हम हिंदी में बटाईदार भी कहते हैं। फिफ्थ वर्ड है टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है फर्मनेस, मतलब मजबूती। सिक्स वर्ड है एनरूट। एनरूट का मतलब होता है किसी रास्ते पर चलना। सेवन्थ वर्ड है ई स्टेट। ई स्टेट का मतलब होता है प्रॉपर्टी। एट्थ वर्ड है फियर स्ट्राइकन। फियर स्ट्राइकन का मतलब होता है डर जाना, भयग्रस्त। नाइन्थ वर्ड है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अगर कोई भी चीज़ नेचुरल ढंग से होती है तो उसको हम स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। टेंथ है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है सॉलिड या फिर ठोस चीज़। आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा और आपको उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इंग्लिश में भी बताऊंगा जिससे आपको ये पता पड़ जाएगा कि आपको उन क्वेश्चंस को आखिर असलियत में अटेम्प्ट कैसे करना है आपकी एग्जामिनेशन में। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है गांधी जी से जो कि दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का एक एनुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे और वहीं पर उनसे मिलने एक गरीब किसान आता है। उस गरीब किसान का नाम होता है राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला एक बहुत ही डिटरमिन्ड व्यक्ति था। वो चंपारण में रहता था। चंपारण बिहार में एक जिला है। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलकर उसको अपनी सारी बातें बताना चाहता था। वो बताना चाहता था कि वो एक गरीब किसान है और उसके यहाँ पर अंग्रेजों का बहुत ज़्यादा जुल्म बढ़ गया है, तो इसीलिए वो गांधी जी को अपने साथ ले जाना चाहता था। तो इसके लिए वो लखनऊ में आता है। लेकिन राजकुमार लखनऊ में गांधी जी से नहीं मिल पाता है क्योंकि गांधी जी बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं और उनकी अगली जो सेमिनार है वो कानपुर में होता है, तो इसके लिए गांधी जी कानपुर चले जाते हैं। तो राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे पीछे कानपुर चला जाता है लेकिन वहाँ पर भी उनकी मुलाकात नहीं होती है। तो फिर गांधी जी अपने अहमदाबाद के आश्रम में जाते हैं तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ला की गांधी जी से पहली बार मुलाकात होती है और राजकुमार शुक्ला चाहता है कि गांधी जी उनके साथ चलें और उनसे मिलने की एक डेट उसको मिल जाए। तो गांधी जी बोलते हैं कि अभी तो मैं थोड़ा बिजी हूँ लेकिन मैं आपसे कोलकाता में मिलता हूँ, वहाँ पर हमारा कांग्रेस का अगला सेमिनार है। फिर गांधी जी कोलकाता चले जाते हैं और उनके पीछे पीछे राजकुमार शुक्ला भी वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन गांधी जी थोड़े से बिजी होते हैं तो राजकुमार शुक्ला उनके फ्री होने का वेट करता है और फिर गांधी जी और राजकुमार शुक्ला दोनों एक साथ चंपारण की ओर निकल जाते हैं। सबसे पहले गांधी जी और राजकुमार शुक्ला पटना जाते हैं जहाँ पर राजकुमार शुक्ला गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद नाम के एक वकील के घर पर ले जाता है। फिर वहाँ से गांधी जी पहले मुजफ्फरपुर जाने का प्लान करते हैं क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि चंपारण में जाने से पहले वो वहाँ की सारी हकीकत को जान लें। तो मुजफ्फरपुर स्टेशन पर जेबी कृपलानी एक स्टूडेंट यूनियन के साथ गांधी जी का बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं। गांधी जी दो दिन प्रोफेसर मलकानी के घर पर रुकते हैं और तब तक चंपारण में खबर फैल जाती है कि गांधी जी आ रहे हैं। तो चंपारण के कुछ शेयर क्रॉपर्स, मतलब कुछ बटाईदार, कुछ किसान गांधी जी के पास उन्हें लेने आते हैं और तभी वकीलों का एक दल भी गांधी जी से मिलने आता है और वो गांधी जी को बताते हैं कि क्या एक्चुअल में सिचुएशन है। गांधी जी उन वकीलों को थोड़ा सा डांटते भी हैं क्योंकि वो उन गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा फीस वसूला करते थे।
चंपारण जिले की ज़्यादातर उपजाऊ ज़मीन अंग्रेजों के पास थी और वहाँ पर भारतीय किसान काम किया करते थे। तो उन भारतीय किसानों को अपनी 15% जमीन पर इंडिगो मतलब नील की खेती करना अनिवार्य था और जो भी फसल होती थी वो किसान उस फसल को अंग्रेजों को दे दिया करते थे। तो ये तो एक ओल्ड एग्रीमेंट था, लेकिन जैसे ही 1917 में जर्मनी एक नई टेक्नोलॉजी से सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर देती है तो मार्केट में एक रिवॉल्यूशन आ जाता है और जो ऑर्गेनिक तरीके से इंडिगो उगाई जाती थी उससे वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी। तो इससे अब ब्रिटिशर्स को ये लगने लग जाता है कि अब जो हम ये इंडिगो की फसल ले रहे हैं ये हमारे लिए ज़्यादा काम की नहीं है। तो वो उन किसानों से एक नया एग्रीमेंट करवाते हैं। अंग्रेज किसानों से कहते हैं कि चलिए आप आपकी ज़मीन वापस ले लीजिए, लेकिन इसके लिए आपको हमें मुआवजा देना पड़ेगा। तो भोले किसान अंग्रेजों की बातों में फंसकर उस एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं और कुछ किसान तो पैसे भी दे देते हैं, लेकिन बाद में उन किसानों को पता पड़ता है कि ये तो उनके साथ धोखा हुआ है और फिर वो चाहते थे कि उनको अपने सारे रुपए वापस मिल जाए। फिर गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलते हैं, लेकिन वो भी गांधी जी की ज़्यादा मदद नहीं करता है और उल्टा वो गांधी जी को बोलता है कि आप यहाँ से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई होगी। लेकिन गांधी जी उसके आदेश की पालना नहीं करते हैं और वो मोतीहारी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मोतीहारी में भी उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत होता है। तभी गांधी जी के पास एक सरकारी नोटिस आता है और उस नोटिस में लिखा रहता है कि गांधी जी को अभी के अभी चंपारण को छोड़कर यहाँ से जाना होगा, लेकिन गांधी जी इस ऑर्डर को डिसऑबे करते हैं। तो गांधी जी रात भर जगे रहते हैं और वो वहाँ की पूरी रिपोर्ट वायसराय को तार के जरिए भेज देते हैं। अगली सुबह गांधी जी को कोर्ट में प्रस्तुत होना था, लेकिन तभी वहाँ पर किसानों का एक बहुत बड़ा हुजूम आ जाता है और वो गांधी जी के सपोर्ट में नारे लगाता है। सभी अंग्रेज इससे डर जाते हैं और अंग्रेज अफसर उस भीड़ को कंट्रोल करने में भी नाकाम रहते हैं। तब गांधी जी अफसरों की मदद करते हैं उस भीड़ को कंट्रोल करने में। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इससे डर जाती है और वो चाहती है कि अभी के लिए इस मुकदमे को यहीं पर रोक दिया जाए, लेकिन इससे गांधी जी नाराज होते हैं और वो इसका विरोध करते हैं। तो मुकदमा कंटिन्यू रहता है और तब गांधी जी कोर्ट के जस्टिस से बोलते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ में फंस गए हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि वो एक लॉ ब्रेकर की तरह सोसाइटी के सामने अपने आप को प्रदर्शित करें, लेकिन उनको थाउजेंड्स ऑफ गरीब किसानों की भी सुननी थी। वो चाहते थे कि वो उनको न्याय दिलाए, तो फिर वो अपने अंतर मन की सुनते हैं और फिर वो उन गरीब किसानों को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर बिहार से राजेंद्र प्रसाद और कुछ बड़े वकील गांधी जी से मिलने आते हैं। वो गांधी जी से बातचीत करते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि अगर आपको जेल हो जाती है तो हम क्या करेंगे। तो फिर सभी वकील मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो भी गांधी जी के पीछे पीछे जेल जाएंगे। तो उस पर गांधी जी बोलते हैं कि बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, मतलब हमने चंपारण की लड़ाई जीत ली है। और ऐसा गांधी जी इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले वकीलों को गांधी जी पर थोड़ा सा डाउट था, लेकिन फिर जैसे ही वकील देखते हैं कि इतने सारे किसानों का गांधी जी के साथ साथ है और गांधी जी भी इन किसानों के लिए हमारे देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इसीलिए वकील भी उनके साथ जुड़ जाते हैं और इसीलिए गांधी जी वो स्टेटमेंट देते हैं। थोड़े दिनों बाद वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर गांधी जी पे चलाए गए केस को वापस ले लेते हैं और तभी से जो इंडिया में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चलाया था उसकी पहली बार जीत हुई थी। फिर गांधी जी की मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर से होती है और तभी इन शेयर क्रॉपर्स के लिए एक जांच कमीशन की भी स्थापना होती है जो कि इन शेयर क्रॉपर्स की हालत का जायजा लेगी। गांधी जी चंपारण में 7 महीने तक रहते हैं और वहाँ पर उनकी यही बात होती है कि जो भी गरीब किसानों के पैसे लिए गए हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड द्वारा वो उनको वापस किए जाएं और एटलीस्ट 50% मनी तो उनको वापस कर ही दिए जाए। लेकिन ब्रिटिश लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि ज़मीन तो हमारी थी तो हम आपको 25% मनी वापस करेंगे। तो उस पर गांधी जी लास्ट में एग्री कर लेते हैं और उन गरीब किसानों को अपने 25% पैसे वापस मिल जाते हैं। गांधी जी ने चंपारण के किसानों को उनका हक तो दिला दिया था, लेकिन गांधी जी वहाँ की कंडीशन को देखकर बहुत ही ज़्यादा निराश होते हैं। वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, तो गांधी जी इसके लिए 6 प्राइमरी स्कूल्स को खोलते हैं और वहाँ पर गांधी जी की पत्नी कस्तूरबाई उनको स्वच्छता की शिक्षा देती है। चंपारण का एपिसोड गांधी जी के लाइफ का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पर से गांधी जी को ये रियलाइज़ हुआ कि हम भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने खड़े हो सकते हैं और इंडियंस में इतनी ताकत है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज कर सकें। गांधी जी के चंपारण स्ट्रगल में कई लोगों ने बोला था कि आप CF एंड्रयूज का साथ ले लीजिए और इससे आपकी लड़ाई आसान हो जाएगी,
लेकिन गांधी जी ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम किसी भी अंग्रेज का साथ नहीं लेंगे हमारे खुद के स्वतंत्रता स्ट्रगल में। और इसी तरह गांधी जी वहाँ के सभी लोगों को सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता का भी लेसन देते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में इतना ही। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस मैं आपको उनके इंग्लिश में आंसर्स भी बताऊंगा, जिससे आपको बोर्ड में उन आंसर्स को लिखने में बहुत ही आसानी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइस राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रेजोल्यूट। तो राजकुमार शुक्ला को यहाँ पर दृढ़ निश्चयवादी क्यों कहा जाता है? तो राजकुमार शुक्ला को ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गांधी जी जहाँ पर भी जाते थे वो उनके पीछे जाते थे, और वो चाहते थे कि गांधी जी उनके यहाँ पर आए और लास्ट में वो गांधी जी को अपने यहाँ पर लाके ही रहे। तो इसलिए कहा जाता है कि वो एक बहुत ही रेजोल्यूट पर्सन थे। सेकेंड क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, वॉट लेट गांधी जी टू मेक दिस रिमार्क। तो गांधी जी ने ऐसा इसलिए तब कहा था जब सारे लॉयर्स गांधी जी के साथ हो गए थे, क्योंकि पहले लॉयर्स गांधी जी में तब बिलीव नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही लॉयर्स को पता लगा कि गांधी जी के साथ बहुत सारे लोग हैं और गांधी जी देश की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, तो सभी लॉयर्स उनके साथ हो जाते हैं, और इसीलिए गांधी जी बोलते हैं द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। थर्ड क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स हेल्प फियर स्ट्राइकन पेजेंट्स ऑफ चंपारण टू अचीव फ्रीडम। तो सबसे बड़े फैक्टर तो खुद गांधी जी थे, क्योंकि गांधी जी ने उन किसानों की बहुत ज़्यादा मदद करी थी, क्योंकि एक ओल्ड एग्रीमेंट था जिसके जरिए उन किसानों को अपनी 15% लैंड पर इंडिगो की फसल उगानी पड़ती थी, और फिर वो ऐसी की ऐसी फसल उनको ब्रिटिशर्स को दे देनी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही जर्मनी में एक नई आविष्कार का जन्म हुआ और वहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो को बना लिया गया, तो जो ऑर्गेनिक इंडिगो है इसकी वैल्यू कम हो गई। तो ब्रिटिशर्स ने एक नया एग्रीमेंट उन सभी पीजेंट से साइन करवा लिया, क्योंकि वहाँ के पीजेंट्स इलिटरेट थे, तो उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया। लेकिन बाद में उनको पता पड़ा कि ये तो उनके खिलाफ है, तो वो उस सारी चीज़ों को वापस लेना चाहते थे। फोर्थ क्वेश्चन है, द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन महात्मा गांधीज लाइफ। तो ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि गांधी जी ने इसके पहले कोई एकदम बड़ा आंदोलन नहीं किया था, और यहीं से गांधी जी को ये पता पड़ा था कि हम इंडियंस भी इन ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सकते हैं, बस हमें एक साथ मिलकर इन सभी के सामने लड़ना होगा। गांधी जी ने नॉन वायलेंट रूप से इस जीत को हासिल किया था, और इसीलिए ये गांधी जी और देश के लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और यहीं पर से जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था उसकी भी पहली शुरुआत हुई थी, और पहली जो विक्ट्री थी वो यहीं से मिली थी। तो इसीलिए ये गांधी जी के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी रिएक्ट टू कमिश्नर्स एडवाइस, वेयर डिड ही गो। तो गांधी जी ने कमिश्नर की एडवाइस को सिरे से नकार दिया और वो मोतिहारी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिनअप कर रखा है, आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों इस वीडियो का टारगेट है 15,000 लाइक्स, और मुझे उम्मीद है कि आप इस लाइक के टारगेट को जल्दी अचीव कर लेंगे। दोस्तों आप लास्ट 7 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को भी ले सकते हैं, और उन क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पर जाकर उनको चेक कर लीजिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा, ताकि मेरे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।